मैंने देखिए आपको बताया भी था कि जब रिजल्ट आ जाता है तो 2-3 दिन व्यस्तता हो जाती है, वो क्लास भी छूट जाती है थोड़ा, लेकिन वो बाद में मैनेज किया जाता है। 7 तारीख को रिजल्ट आया, 8 को, कल 9 को और 10 को। आपका क्लास में कल भी हुआ, आज भी हुआ। आप बहुत भाग्यशाली हैं कि आपको सारी जानकारी मिल रही है। बच्चों, 2 चीज़ें हैं, हम लोग बार बार कहते भी हैं, अब तो बच्चे भी कहने लगे हैं। मैंने देखा कि पांडे क्लासेस है तो भरोसा है। अब पांडे क्लासेस का सपना हर घर से डॉक्टर इंजीनियर बने अपना, हमारा सपना कि हर घर से हम डॉक्टर या इंजीनियर बना दें। वैसे हम एक घर से 2-2, 3-3 भी बना रहे हैं, लेकिन हमारा तो एक ही का सपना था, अब 2-2, 3-3 भी बन रहे हैं बच्चे। तो जो सेलेक्टेड स्टूडेंट है बेटा, उनके जो श्रृंखला है, उनकी जो श्रृंखला है, उसी की कड़ी में हम आज बढ़ाएंगे। सबसे पहले बुलाएंगे प्रवीण कुमार को, बहुत ही तेज कुशाग्र बुद्धि के, और 641 नंबर इनको मिले हैं। एक क्वेश्चन, आप चूँकि बायोलॉजी के जानते हैं कि कुकुम्बर में फीमेल फ्लावर को बढ़ावा देता इथाइलीन, वो ये गलत कर दिए थे, इनका गलत हो गया, बहुत दुखद था इनके लिए। एक को गोला ही नहीं भर पाए, लगा लिए थे, नहीं तो इनके 10 नंबर और 10 नंबर इनके कम पड़ गए। तो ये चीज़ें हैं। आगे आप बताएंगे कैसे स्ट्रेटजी है, कैसे ये पढ़ाई करें, आप पढ़ाई करें, कैसे इन्होंने पढ़ाई की, कैसे आप लेंगे। और बाकी माल्यार्पण हुआ, तिलक हो गया, मिठाई, और अब स्टेथोस्कोप वो प्रक्रिया में है। पांडे सर स्टेथोस्कोप इनको गिफ्ट करेंगे। स्टेथोस्कोप की शुरुआत यहीं से हो जाती है, पांडे क्लासेस ही हम इनको स्टेथोस्कोप देते हैं। बाद में ये चूँकि इस स्टेथोस्कोप से इनका काम नहीं चलेगा, वो 20-25 हज़ार वाला यूज करेंगे, वो तो अच्छी बात है, लेकिन शुरुआत हम ही करते हैं। पांडे क्लासेस से शुरुआत इनकी होती है। और बार बार चीज़ें हैं, बार बार कहा गया, मैं 2 लाइन देखे शुरू में ही कह देता हूँ कि आँखों में अरमान लिया। अरमान जानते ही सपना होता है, आँखों में एक सपना आ गया। आँखों में अरमान लिया, जब मंजिल को मान लिया कि मंजिल हमारी क्या है, MBBS है ना, तो है मुश्किल क्या आसान क्या, है मुश्किल क्या आसान क्या, जब ठान लिया तो ठान लिया। इन्होंने मंजिल अपनी MBBS बनाई थी, चाहे कितनी मुश्किल आई, लेकिन ये MBBS देखे पहुंच गए। आज मेरी बात हो रही थी कि आप सर्जन बनने लायक बहुत अच्छा है, कह सर वो भी मेरा भी सपना वही है कि मैं सर्जन बनूंगा, MBBS के बाद PG करूंगा तो सर्जरी में करूंगा। मैंने कहा ऑपरेशन बहुत अच्छा करेंगे। तो लीजिए, प्रवीण आपको बताएंगे सारी चीज़ें, अगर किसी की क्वेरी होगी तो वो भी लेंगे। ये मेरा नाम प्रवीण कुमार चौरसिया है, मेरा लास्ट ईयर स्कोर 552 था, इस बार 641 है, 100 नंबर बढ़ा है, अप्रॉक्स 100 नंबर का इम्प्रूवमेंट हुआ है। और आप क्या बोलें, आप रेगुलर टेस्ट दें और NCERT पर ज़्यादा फोकस करें, क्योंकि लास्ट ईयर जब मेरा 552 नंबर था तो मेरे पापा बोले कि आप BMS में ले लो, तो मुझे लगा कि अब मेरा टारगेट था यही जो अभी है, तो हम घर में मैं बोला कि BMS पापा नहीं करेंगे साफ, तो पापा बोले, ज़बरदस्ती घर पर चल रहा था क्योंकि 2-3 साल हो गया था ड्रॉप लिए हुए, उसके बाद मैं ज़बरदस्ती फिर से वापस से मैं तैयारी किया और आज मेरे 641 स्कोर हैं। मैं कभी स्टेज पे भी नहीं आया, कभी प्राइस लेने भी नहीं आता था, ये तो पांडे सर हैं, क्योंकि पांडे सर को हम शुरू से अपना आइडियल मानते थे स्टार्टिंग से, क्योंकि इनसे हमको डर लगता था, सभी आप लोग भी डरते होंगे, क्योंकि आप डरते नहीं, इनकी रिस्पेक्ट करते हैं, रिस्पेक्ट यूज़र से हमको लगता है कि डर लगता है, कुछ पूछने में भी हिचकिचाहट होती है, लेकिन जब सर पढ़ाते हैं तो लगता है, क्योंकि ये सिर्फ यहाँ का माहौल है,
जैसे हम जब भी यहाँ पे हम पीछे बैठते थे सबसे पीछे, तो सर जब भी पढ़ाते थे तो पूछते थे कि किसका आंसर आया, आप लोग के साथ भी होता होगा, तो स्टार्टिंग में मेरे आंसर नहीं आते थे। स्टार्टिंग मेरा फर्स्ट अटैम्प्ट में 150 नंबर था नीट में, नीट में मेरा 150 नंबर था और 150 नंबर से 650 आज है, तो कोई भी कर सकता है, कोई ज़्यादा टफ नहीं है। बस हाँ, आप थोड़ा ध्यान दीजिएगा सिली मिस्टेक्स पे, आप टेस्ट दीजिए, टेस्ट में अच्छा करिए। इस साल का मेरा सबसे ज़्यादा, क्योंकि मेरा लगभग 100 नंबर का इंप्रूवमेंट होने का रीज़न ये है कि जैसे मैं अपने वीकनेस पे ज़्यादा फोकस किया इस साल, कि मेरा क्या छूट गया है, किस में ज़्यादा गलती होती थी, और सिली मिस्टेक्स पे ज़्यादा फोकस करिए। क्योंकि आप लोग में ऐसा नहीं, पेपर आता नहीं है, पेपर सबको आता है, और जितने भी बाउंड्री पे हैं वो अपने थोड़ा वीकनेस पे ज़्यादा फोकस करें, जो उनका वीक पॉइंट है। 12th का बैच है ये। हाँ, अगर आप 12th का बैच के हैं तो बात ये है कि फिर आप लाइन टू लाइन अच्छे से रीड करिए। एनसीईआरटी को आप रीड मत करिए, बल्कि उसको आप इस साल का, जैसे आप पेपर देखे होंगे, इस साल का पेपर लाइन टू लाइन नहीं पूछा गया था, इस साल का पेपर थोड़ा कॉन्सेप्चुअल मेरा, बल्कि पिछले साल जब लाइन टू लाइन पूछा गया था, मेरी पिछली बार बायो में स्कोर था 550 नंबर थे, इस बार मेरे नंबर कम हुए हैं लगभग 350 नंबर थे, 360 में दो क्वेश्चन में गलत किया था, जिसमें से सेक्शन बी वाले ही था, और इस बार मेरे 331 आ रहे हैं, जिसमें से एक एनाटॉमी वाला वो कॉमन नहीं किया है, तो 331 उसमें है, और 160 यानी 160 नंबर केमिस्ट्री में है, और 150 नंबर मेरे फिजिक्स में है, तो तीनों ये है स्कोर है। और इस साल की जो फिजिक्स थी, आप फिजिक्स इस साल का वाकई में मानता हूँ मैं, इस साल का ईजी था, लेकिन काइनेमेटिक्स पोर्शन का क्वेश्चन ज़्यादा थे, और वो भी ईजी ही थे, लेकिन ये है कि बायो लेंथी होने की वजह से जिसकी स्पीड कम होगी वो केमिस्ट्री फिजिक्स तक पहुँच ही नहीं पाया। फिजिक्स में भी इसी वजह से मेरे थोड़ी ज़्यादा सिली मिस्टेक्स हुए हैं, और क्या बोलें, बाकी आप लोग पढ़िए। ठीक है सर, और किसी को कोई पूछना है? किसी को कुछ पूछना है, पूछना है, कोई डाउट है? अश्वनी पूछना, उधर देवव्रत। सर बस ये है कि आप लोग थोड़ा टेस्ट पे ज़्यादा फोकस करिएगा, मेन मोटो आप टेस्ट को बनाइएगा, क्योंकि हमने करीब इस साल लगभग 150 से ज़्यादा टेस्ट दिए हैं एक साल में। अर्पित, अर्पित कहाँ नहीं आया? ठीक है, बच्चों अभी आपने देखा प्रवीण ने आपको कुछ बताए, इन्होंने सबसे पहले शुरू कहाँ से किया, इन्होंने बोला कि मैं क्या बताऊँ, आप लोग टेस्ट दीजिए, मतलब ये बात इनके कहने का मतलब ये है कि अगर आप चाहते हैं सिलेक्शन लेना, जैसे कहा जाता है मैं क्या बताऊं, इसका मतलब ये है कि फाइनल बात वही है कि अगर आप चाहते हैं सिलेक्शन लेना तो टेस्ट पे ध्यान दीजिए और टेस्ट को मोटिव बनाइए। मोटिव समझते हैं ना, कि ज़्यादा से ज़्यादा टेस्ट दो, ज़्यादा से ज़्यादा गलती करिए, और गलती जितना अधिक हो उतना प्रवीण बता रहे हैं कि मुस्कराइए, क्योंकि सारे गलत क्वेश्चन ज़्यादा याद रहते हैं सही क्वेश्चन की अपेक्षा। तो इन्होंने ये बोला कि आप टेस्ट ज़्यादा दीजिए, और ज़्यादा गलती हो तो खुश होइए, दुखी मत, दुख मत मनाइए, क्योंकि अगर आप ज़्यादा गलती करेंगे तो वो ज़्यादा सीखने को मौका मिला, वो फिर गलत नहीं होगा। हाँ, वो फिर गलत नहीं होगा, इसलिए गलत से कभी घबराना नहीं चाहिए। अब गलत किसका ज़्यादा होगा, जो ज़्यादा पढ़ेगा, जो ज़्यादा सवाल लगाएगा उसी का तो ज़्यादा गलत होगा, और जो गलती से बचेगा तो इसका मतलब वो पढ़ेगा नहीं, और जब पढ़ेगा नहीं तो फिर सिलेक्शन कैसे होगा। तो जैसे किसी ने बोला मुझसे गलती ही नहीं हुआ, इसका मतलब उसने जीवन में कुछ किए ही नहीं, तो गलती कहाँ से होगा। तो गलती से घबराना नहीं चाहिए, फिर ये हाँ कि वो दोबारा गलत ना हो इसका ध्यान देना चाहिए, उसको सीखना है। तो इन्होंने दूसरी बात ये बोला कि आप अपने टेस्ट पर फोकस करें, गलतियों से सीखें, और आपका वीक पॉइंट क्या है आपसे अच्छा कोई नहीं जानता, आप हमें भी बताते हैं तभी हम भी जान पाते कि अच्छा आपको ये प्रॉब्लम है, आपके वीक पॉइंट क्या हैं आप जानो। जैसे आपको न्यूमेरिकल कैलकुलेशन में गलती हो रही है, अभी टाइम है उसको ठीक करो, लॉग एंटी लॉग लेने में समस्या आ रही है उसको ठीक करो, जहाँ पे भी वीक पॉइंट है, क्योंकि वो आप ही ठीक करेंगे, उसे दूसरा कैसे करेगा, और आप उसको छिपाए रहेंगे तो कैसे कोई जान पाएगा। बहुत बड़े डॉक्टर कोई हों और पेशेंट जाके अपनी बीमारी को छिपाए और ना बताए तो कैसे जान पाएंगे। इसलिए आप अपने प्रॉब्लम को जानते रहेंगे, जानते हैं तो उसे दूर करें, जल्दी से जल्दी दूर करें, क्योंकि आप लोग बच्चों फाउंडेशन बैच के सभी लोगों, और आपके लिए दो दो बातें चल रही हैं,
एक आपका स्कूल वाला भी अच्छा होना है और कॉम्पिटेटिव एग्ज़ाम भी आपको अच्छे से क्वालिफाई करना है और नीट में जाना है। जैसा भी आप लोगों ने देखा भी है कि इस बार जो रिजल्ट्स आ रहे हैं उसमें जो ट्वेल्थ वाले जो बच्चे हैं उनको बहुत ज़्यादा हाईलाइट किया जा रहा है, क्यों? क्योंकि एग्ज़ाम बड़ा एग्ज़ाम है, इसमें बड़ा कॉन्फिडेंस की ज़रूरत है। 720 कितने क्वेश्चन, 180 क्वेश्चन अगर कहा जाए तो 180 मिनट, तब तो 200 क्वेश्चन तो 200 मिनट हो गया। बात तो वही है ना, आपको सवाल तो पढ़ने पड़े, 200 मिनट आपको दिया भी गया, 200 मिनट ही दिया गया है ना, 3 घंटे 20 मिनट। तो इस तरह से ये काफ़ी अच्छा एग्ज़ाम माना जाता है। और अगर आप इसमें और वो भी सिलेक्शन का प्रोसेस देखो, 600 के ऊपर आप आएंगे तो क्या होगा, पॉसिबिलिटी है मिलने का, उसे नीचे का कोई मतलब नहीं समझ आता। और अगर आप एम्स चाहिए तो आप समझ लीजिए कि 700 क्रॉस करना ही है एम्स न्यू दिल्ली अगर चाहिए तो। और अगर आपको बच्चों, आपके सामने तो सारा कुछ है, सब कुछ कर सकते हो, बस एक प्रॉपर प्लानिंग करो। प्लानिंग होनी चाहिए कि हमारे क्या गलत हो रहे हैं, उसको ठीक करें, जितने क्वेश्चन में कन्फ्यूजन है उसको आप नोट करें और टाइम रहते हुए उसे ठीक करें। और एग्ज़ाम के पैटर्न को समझिए, जैसा पैटर्न है वैसे ही प्रिपरेशन करिए। अब जैसा अभी इन्होंने बायोलॉजी में बोला कि कुछ कॉन्सेप्चुअल आने लगा, लाइन टू लाइन का नहीं है, तो उसको भी आप के टीचर तो अच्छा ही सब बताते ही रहते हैं, पर आप जब तक अपने से नहीं सोचोगे तो टीचर की बात ही नहीं याद आएगी, तो उसे आप ठीक करें। तो इन्होंने ये बताया। और बाकी अब हम इनके बारे में बताते हैं कि इन्होंने देखिए एक चीज़ और इन्होंने बताया कि हमारे नंबर कैसे बढ़े हैं 150 से, और 150 नंबर काफ़ी कम नंबर है, लेकिन आप इसे समझ सकते हैं कि अगर कुछ करना है, कुछ पाना है, तो बच्चों जुनून होना चाहिए। जुनून अगर है, जिद है कुछ करने का, तो कोई भी काम बड़ा नहीं होता, हर काम आसान हो जाता है। और उसके सबसे बड़े एग्जाम्पल हैं आपके सामने कि नंबर कम था लेकिन उन्होंने कभी हार नहीं मानी, हम ही पढ़ाए हैं, हम तो जानते हैं, मुस्कराते रहते थे, गलत हो जाता था उलझ जाते थे, सर कैसे हो रहा, क्या हो रहा है, फिर ठीक हो जाता, फिर समझते थे, फिर करते थे। और आज इन्होंने धीरे धीरे अपने टारगेट के डायरेक्शन में चलते रहे, कभी हार नहीं माना, कभी इन्होंने थका नहीं, कभी इनको कोई प्रॉब्लम नहीं आया। ऐसे पहले भी मुस्कराते थे, ऐसे आज भी मुस्करा रहे हैं, कोई अंतर नहीं है। डॉक्टर बनना था, डॉक्टर बन गए। लोगों के लिए इन्होंने एक तरह से एक एग्जाम्पल भी छोड़ दे कि तुम कुछ भी कर सकते हो, बस क्या होना चाहिए, खुद पर भरोसा। इनको खुद पर भरोसा था, इनको खुद पर यकीन था। अगर ये किसी टीचर से, अपना टीचर या किसी दूसरे लोगों के भरोसे चलते, तो दूसरे लोग यही करते कि अब जाने दो, मत करो, घर के लोग कह तो रहे थे BMS करो, अब उनसे ज़्यादा नज़दीक कौन हो सकता है, पेरेंट्स से ज़्यादा नज़दीक कोई हो सकता है, वो तो कह रहे थे BMS करो, लेकिन वहाँ पे भी इनका जिद और जुनून काम आया, नहीं वहीं पे BMS करने लगते तो फिर MBBS डॉक्टर कैसे बनते, फिर सर्जरी इनका जो एम है वो कैसे पूरा होता। तो बच्चों अपने सपनों को जब देखो तो उसके लिए पूरा जिद्दी बन जाओ और उसे रियल में ले आके दिखाओ। मतलब सो के सपने मत देखो, बल्कि कई लोग कहते हैं ना कि सपने वो है जो जागते हुए देखो, तो आप होश में रह के देखो और उसको पूरा करने के लिए लगातार मेहनत करो। और हर चीज़ मुमकिन है, पॉसिबल है, बस जिद होना चाहिए, दृढ़ इच्छा होनी चाहिए, इच्छा शक्ति होनी चाहिए, हमें ये करना है, तो ये करना है। रोज़ का शेड्यूल होना चाहिए, आज मुझे इस टॉपिक को कम्प्लीटली फिनिश करनी है, बल्कि एक दिन पहले का, और हाँ बल्कि हम एक दिन पहले चले, एडवांस में रहें, रात में सोच लेते थे कि पढ़ना, हाँ अभी ये बता रहे हैं प्रवीण की, रात में हम सोचते थे कि हमें कल को क्या करना है और उतना कंप्लीट कर लेते थे, उसके बाद अगले एक दिन की भी बात शुरू कर लेते थे। तो ये क्या हुआ, टाइम के पहले चलने की आदत, और जब टाइम के पहले चलने की आदत है तो टाइम पे उसका काम हमेशा पूरा ही होना है। और प्रेजेंट में रहना चाहिए, अगर आपने कोई एग्ज़ाम दे दिया बहुत गलत हो गया तो बहुत ज़्यादा प्रेशर में नहीं जाना चाहिए, फिर उसको थोड़ा ठीक करना चाहिए और अच्छा करना चाहिए। तो बच्चों ये सब बातें है, प्रवीण से आपको सीख मिला और इन्होंने बहुत अच्छा किया, और मैं बहुत इनको शुभकामनाएँ और इनको बहुत सारी बधाइयाँ कि आगे आएँ और फ्यूचर में बहुत बड़े डॉक्टर बने और
लोगों के लिए एक इंस्पिरेशन का काम करें, क्योंकि ये डॉक्टर तो हैं, डॉक्टर तो हो ही जाएंगे, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि बहुत अच्छे इंसान भी हैं। इनके अंदर रियल में, रियल लाइफ की बातें हैं। रियल में क्या है, ग्राउंड लेवल पे हैं। इनके अंदर बहुत सारी ह्यूमैनिटी है। बहुत सारा वक्त कम है कि अभी क्लासेस भी आने वाली है, नहीं मैं इनके बहुत कहानियाँ आपको सुनाता। ये रियल में ह्यूमैनिटी है और यही डॉक्टर की पहचान है, यही असली डॉक्टर है। तो प्रवीण जाइए और बिल्कुल आगे बढ़ते रहिए, और जहाँ भी रहिए ऐसे मुस्कराते रहिए, और आपके मुस्कान देख के बहुत सारे पेशेंट का प्रॉब्लम अपने आप ही ठीक हो जाता रहेगा। ठीक है, बहुत अच्छा किया। और आपको सर्जन बनना है और पेशा थोड़ा डर वाला है, ठीक है, थैंक यू। 150 से 641 का सफ़र, सोचिए आप लोगों में से कितने लोग होंगे जो 150 जब पा जाएंगे कहें छोड़ो यार मेरे पास ताकत नहीं है, और कितनी अच्छी अच्छी बातें बताई इन्होंने भाई। निश्चित रूप से 150 वाला अगर मुझसे मिलता तो मैं भी डर जाता कि पता नहीं इसका होगा कि नहीं होगा, लेकिन इनको भरोसा था। और कैसे बता रहे थे कि एक दिन पहले सोच लीजिए, और कैसे बताया इनको गलतियाँ होने दीजिए, एक बार गलत हो जाएगा वो कभी गलत नहीं होगा, ये ज़रूर सीखे कि एक बार जो गलत हो गया आगे ना हो। तो प्रवीण की ये सब बातें हैं, ये सब मैं भी सीखता हूँ। जैसे कल जो बच्चा आया था मनोज कुमार यादव, वो उसका 141 नंबर था पहले बार में, उसने कहा कि आप किसी को एक्सप्लेन मत करिए कि मेरे क्यों कम नंबर रह गए, इतने रह गए, किसी को बताने की आवश्यकता नहीं है, न किसी को समझाने की ज़रूरत है। तो ये प्रवीण की लाइन मैं जब याद करता हूँ तो आपको तो याद रखना ही चाहिए। अब देखिए, हम बुलाएंगे हमारे जो आज की श्रृंखला में सिलेक्शन जो चयनित बच्चे हैं उसकी श्रृंखला में आनंद कुमार पटेल हैं। बड़ा संघर्ष किया, बड़े ही सज्जन विद्यार्थी, और 629 नंबर आए हैं इनके, 629 आनंद के, आनंद कुमार पटेल के। अब बहुत ही सीधे मेरे समझ से इतने अच्छे डॉक्टर बनेंगे ये कि मैं क्या बताऊं, कि ये गरीब लोगों का भी इलाज करेंगे, पैसे के लिए इनको बहुत जिद नहीं रहेगी, और बड़े सामान्य परिवार से। कोई बात नहीं, कोई ठीक है। चलिए, तालियां बजती रहनी चाहिए। पानी पी लीजिए पहले, पानी पी लीजिए। ये इंस्पिरेशन आपके लिए कि बड़े ही सामान्य परिवार में पैदा हुए, लेकिन मन में वही था कि जब ठान लिया तो ठान लिया कि हमें MBBS बनना है, जब ठान लिया तो ठान लिया, बस दूसरा कुछ था ही नहीं। अब प्रवीण बताएंगे, ये आपके आनंद आपको बताएंगे कि कैसे तैयारी की इन्होंने और आपको क्या करना चाहिए। मेन फोकस अपनी बात बताएंगे, फिर आपको, अब फिर हम लोग कैसा काम करते हैं ये भी बताएंगे, और जो हम लोग बार बार टेस्ट सीरीज को कहते हैं कि टेस्ट ज़रूर दीजिए, मैं तो सारे लोगों को कहता हूँ कि उसको फेस्टिवल कहिए कि त्यौहार है, हम त्यौहार मनाने जा रहे हैं। जैसे त्यौहार के दिन नए नए कपड़े पहन के आते हैं, मुस्कुराते हुए आते हैं, टेस्ट में नंबर कितने आ रहे हैं इसका कोई मतलब नहीं है। आप टेस्ट तो दीजिए तो पहले, उसको आप त्यौहार मान लीजिए, कोई त्यौहार है आपका, ठीक है, जितना हाँ बाकी चीज़ें तो बाद की बात हैं, पहले अपीयर होइए, टेस्ट ज़रूर दीजिए, उसी से आपका सिलेक्शन होगा, गलतियाँ करेंगे आगे नहीं होंगी। तो लीजिए, आनंद बताएंगे आपको। मेरा नाम आनंद कुमार पटेल है और मेरा इस बार नीट में स्कोर 629 है। देखिए, और इस समय मैं प्रेजेंट टाइम में बरेली से BMS भी कर रहा हूँ, सेकेंड ईयर है, और लेकिन मैं नीट का पेपर पिछली साल भी दिया था और इस साल भी दिया था। तो पिछली साल मेरे फिजिक्स में बहुत कम नंबर आए थे, लेकिन इस साल मेरे फिजिक्स में सबसे हाईएस्ट हैं। रीज़न ये कि सबसे ज़्यादा मेरी वीक फिजिक्स ही थी, लेकिन मैंने एक साल में, आप सोचिए, मेरे 15 क्वेश्चन पिछली साल सही थे, लेकिन इस साल 41 किया हूँ, 41 में 41 सही है। और ये 41 ऐसे सही हुए, मैं बता रहा हूँ,
कि जैसे सर की मैं नोट्स पढ़ता था, ठीक, उसके बाद मैं वो छोटे छोटे फार्मूले लिख लेता था जिसपे एनटीए वालों ने सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे हैं, और वो एक कॉपी अलग से बनाई थी छोटी छोटे फार्मूलों की, और उससे मैं एग्ज़ाम के एक मंथ पहले इतनी बार रिवाइज कर लिया था कि वो सारे फार्मूले मेरे मतलब याद हो गए थे, और इस वजह से मेरे नीट में इस बार इतना अच्छा स्कोर हुआ फिजिक्स में। तो मैं आपको यही सजेस्ट करना चाहता हूँ कि आप लोग भी एक ऐसी फिजिक्स की और फिजिकल केमिस्ट्री की एक शॉर्ट नोट जरूर तैयार करिए, क्योंकि वो आप एग्ज़ाम से कुछ दिन पहले अगर तैयार करके जाएंगे उसको आप अलग कॉन्फिडेंस पाएंगे। तो जो छोटे छोटे क्वेश्चन जो आप गलतियाँ करते हैं उसको नोट डाउन जरूर करिए, इग्नोर मत करिए, क्योंकि जो गलतियाँ यहाँ होती हैं वही गलतियाँ मेन एग्ज़ाम में ज़रूर होती हैं, तो अगर आप उसको माइंड करेंगे तभी वो गलती आपको मेन एग्ज़ाम में नहीं हो पाएगी। ऐसे मैं केमिस्ट्री के बारे में ये बोलना चाहता हूँ कि आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की जितनी भी नेम रिएक्शंस हैं उसको एक कॉपी में फिर से अलग नोट कर लीजिए, और नेम रिएक्शंस ही मैक्सिमम पूछी जाती हैं, और जीओसी में भी ऐसा ही है, जीओसी में कंसेप्ट पूरा क्लियर होना चाहिए क्योंकि पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बेस होती है जीओसी पे ही। और इनऑर्गेनिक में भी जो क्वेश्चंस हैं जैसे एक्सेप्शनल जो क्वेश्चंस होते हैं उसको आप नोट डाउन कर लीजिए, और उसको बार बार रिवाइज करिए, बार बार रिवाइज करने से, और इसमें एनटीए एक्सेप्शनल चीज़ों पर ज़्यादा फोकस कर रहा है, और स्टेटमेंट टाइप के भी क्वेश्चन बन रहे हैं, और एनसीईआरटी और नोट्स दोनों अच्छे से आप कंप्लीट करिए, और बायो में तो इस समय देख लीजिए कि बायो का लेवल कितना अच्छा बढ़ गया है इस साल, तो एसर्शन रीजन स्टेटमेंट टाइप के बहुत सारे क्वेश्चन आए हैं, अब सिंगल लाइनर क्वेश्चन तो बन ही नहीं रहे हैं उतना ज़्यादा, तो बायो भी आप लाइटनी मत लीजिए, बायो को भी बहुत अच्छे से प्रिपेयर करिए, तो सिलेक्शन श्योर है। और टेस्ट के लिए ये बोलना चाहता हूँ कि टेस्ट में आप जो गलतियाँ करिए उसको बार बार देखा करिए, बार मतलब पेपर को दीजिए उसको एनालिसिस कीजिए, रूम पे एनालिसिस करिए, और जो गलतियाँ हुई हैं उस गलतियों को एक बार फिर से आप रिकॉल करिए, बार बार देखने से वो गलतियाँ हमेशा के लिए जो गलतियाँ यहाँ हो जाती हैं वो इतना अच्छे से तैयार हो जाती हैं कि दोबारा वो गलती होती नहीं, इसलिए आप गलतियों को इग्नोर मत करिए। फिर टेस्ट को प्रॉपरली दीजिए, टेस्ट को लाइटली लीजिए ही नहीं, जैसा कि सर ने बताया ना कि टेस्ट को आप एक रूटीन की तरह लीजिए कि इसको देना ही देना है, टेस्ट तो कंपलसरी है, बिना टेस्ट के आपकी प्रैक्टिस अच्छी नहीं होगी, और आप टाइम मैनेजमेंट भी टेस्ट से ही होता है, जितना टेस्ट देंगे उतना टाइम मैनेजमेंट अच्छा होता है आपका। फिर आप करते रहिए, बच्चों अभी आपने देखे, आपको आनंद ने बहुत अच्छी अच्छी बातें बताई, इन्होंने बताया कि फिजिक्स कैसे पढ़ा जाए, छोटे छोटे पॉइंट्स नोट कर लिया जाए, हर क्वेश्चंस को डेप्थ में समझना चाहिए, फिर इन्होंने बताया केमिस्ट्री कैसे पढ़ना चाहिए, इन्होंने फिजिक्स और फिजिकल केमिस्ट्री दोनों जो मैथमेटिकल पोर्शन है उस पर इन्होंने ज़्यादा फोकस किया कि छोटे छोटे नोट्स बनाएँ, छोटे छोटे पॉइंट को इन्होंने, बच्चों को ज़रा शांत करो, बाहर निकालो, छोटे छोटे पॉइंट को इन्होंने ठीक किया, और इसके बाद फिर इनका नंबर काफ़ी बढ़ा। तो ये यही चीज़ है जो आपके सीनियर लोग यहाँ पे आए हैं, आपके सामने आते हैं और हम इनको आपसे मिलवाते हैं इसी बात के लिए कि कमियाँ कहाँ रह जाती हैं, और वो कमी ये आपको अच्छे से बताएँगे, और उसे इन्होंने कैसे ठीक किया ये बताएंगे। तो ये बड़ा इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, अब इतनी ज़्यादा गलती करके सीख लेना और ये आपको तुरंत इतनी सीख मिल जाए, इसका मतलब इन्होंने क्या किया, आपको बहुत बड़ी बड़ी बातें बताई कि आप ऐसा करो, सिलेक्शन तो हो ही जाता है, सिलेक्शन वलेक्शन का कोई समस्या नहीं आता, बस आप पहले उसके लिए तैयार तो हो जाइए। इन्होंने क्या बोला कि सर ने बोला कि टेस्ट को उत्सव जैसा मनाइए, तो उत्सव कैसे मनाते हो आप, अभी कोई दीपावली आ जाए तो लड़ाई लड़ते हो कि मेरे को कपड़े चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए, चाहते हो ना, बहुत सारा चीज़ प्लान करते हो, पटाखे ले आना है वहाँ से, ये करना है वो करना है, ऐसे ही जब टेस्ट आया तो उसको उत्सव मनाओ, तो उसकी भी तैयारी करो, तैयारी ये करो कि मेरे को टेस्ट में ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा करना है, और उसके लिए आपको पढ़ना है, तो जब तक मन में टेस्ट का इमेजिन नहीं होगा तब तक आपको क्वेश्चंस के कलेक्शन नहीं मिलेंगे, और तब तक आप पढ़ेंगे नहीं, और तब तक कोई बात आगे बढ़ेगी नहीं।
इसलिए टारगेट में क्या होना चाहिए, टेस्ट में अच्छा परफॉर्मेंस, तब उसके लिए तैयारी, तैयारी में होंगी गलतियाँ और गलतियों के लिए टीचर, और टीचर के कॉन्टेक्ट में जाएँ तब आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ेगा कि मैं कुछ भी कर सकता हूँ। और हर टेस्ट में टारगेट होना चाहिए कि नंबर बढ़ाना ही है, भले दो ही नंबर बढ़े लेकिन अगले टेस्ट में नंबर बढ़ाना है, अगले टेस्ट में नंबर बढ़ाना है। धीरे 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 आप एक नंबर के आसपास आने लगोगे, फिर वो टारगेट आ जाता है कि अब हम इतना कर सकते हैं। और अगर हम 650 के ऊपर जाने लगे तब फिर हमें नींद उद कुछ नहीं आती, तब हमें लगता है कि बस 720 में 720 लाने का समय आ गया। और बच्चों ऐसे ही लोग आगे बढ़ाए, ऐसे ही आपको भी आगे बढ़ना है, और सब लोग मेहनत करिए क्योंकि अगला आप ही को सब कुछ करना है। आप टेस्ट को उत्सव जैसा मनाइए और आपके रिजल्ट को मैं उत्सव जैसा मनाऊंगा, उसको मैं पूरे शहर में आप लोगों को बैठा के रथों पे चलाऊंगा, और इसके बाद लोग आपकी अगवानी करेंगे। बच्चों उस लायक कोचिंग के टीचर को बना दो, कोचिंग की वैल्यू बना लो, शहर को बना लो, फिर आगे जब डॉक्टर बनो तो देश को वो वैल्यू दिलाओ जिसकी ज़रूरत है। और ये सब किससे होगी, आपके पढ़ने से होगी। तो सब लोग मन में ठान लो कि मेरे को सिलेक्शन के सिवा कुछ नहीं, लेना तो सिलेक्शन है ही है, और वो रिजल्ट ले आना है जिसकी ज़रूरत है। और बच्चों आप लोग अच्छे स्टूडेंट हो, शहर के सारे लोग अच्छे हो, आप लोग चाह लो तो 100% कन्वर्जन, और चाह नहीं लेना, इसे लाना ही लाना है। और इसको मन में संकल्प ले लो बच्चों, इसको एकदम मन में बैठा लो कि जिद है रिजल्ट ले आना, सिलेक्शन दिलाना, पेरेंट को वो सम्मान दो, टीचर को वो मान दिलाओ जिसके वो हकदार हैं, और वो आप आगे बढ़ो बच्चों, आगे बढ़ते रहो, और कभी रेस्ट नहीं करना है, केवल कंटिन्यू मेहनत करना है, लगातार मेहनत करना। टाइम ही कितने बचे हैं, 3 महीने, यही 3 महीने डिसाइडिंग है। और इसमें आप कितना भी नंबर बढ़ा सकते हो, आपके सामने आज के जो स्टूडेंट हैं सभी लोगों के नंबर बहुत ज़्यादा बढ़े हैं। आप देखिए 15 क्वेश्चन से 41 पे गए, दूसरा लोग होता तो वो डिमोरलाइज हो जाता, 15 से फेल होके भाग जाता, वो इसीलिए डॉक्टर नहीं बन पाएगा क्योंकि वो कायर था। और ये लोग जिद्दी हैं, और ऐसे लोगों के सामने सारी दुनिया नतमस्तक हो जाती है। यही लोग हैं जो पत्थरों को तोड़ के रास्ता बना देते हैं। यही बच्चों एग्जाम्पल, यही एग्जाम्पल है कि जिद और जुनून के आगे सारे लोग हार जाते हैं, और ये इससे बड़ा एग्जाम्पल आपको कहीं नहीं मिलेगा। तो आपने बहुत अच्छा किया आनंद, और आप बहुत बड़े डॉक्टर बने, और जहाँ भी रहें लोग आपसे इंस्पायर्ड हों और समाज आगे बढ़ता रहे। आपने बहुत अच्छा किया, बहुत बहुत बधाई हो आपको, मेरी बहुत शुभकामनाएँ। थैंक यू। अब देखिए, ये तो BMS कर ही रहे थे ना, 2 साल से BMS कर रहे थे, लेकिन मंजिल की तो MBBS ही थी। वो बार बार इनको रात में जगाती थी कि क्या कर रहे हो, क्या कर रहे हो, नींद नहीं आती थी इनको, कह रहे मेरी मंजिल तो MBBS है, मैं कहाँ फंसा हूँ। लेकिन ये है कि इन्होंने ठान लिया था कि हमें वहीं पहुँचना है, और पहुँच गए। तो मतलब जो बच्चे 12th में हमारे हैं, जो थोड़ा कमज़ोर हैं या जो थोड़ा पढ़ाई से भी दूर हैं, वो सोच लें कि 150 से 641 नंबर प्रवीण का हो गया, तो वो कुछ 15 सवाल से 41 सवाल सही हो गया, तो अभी उनकी देर नहीं, अभी तो 12th ही हैं। आज से शुरू करें, 8 महीने का समय है, अभी भी वो सिलेक्शन पा सकते हैं। ये चीज़ें इसीलिए हम इनको बुलाते हैं, आपको इंस्पायर करने के लिए कि आप देखिए आप कहाँ से कहाँ पहुँच सकते हैं। अब इसी श्रृंखला की अगली कड़ी के रूप में रोशन कुमार पटेल हैं। रोशन कुमार पटेल, हाँ, 625 नंबर इनके आए हैं। और हम बताएं आपको, रोशन के 3 दोस्त ये लोग थे, रोशन, सचिन और मंगेश, ये 3 थे। जैसे वो 3 इडियट्स नहीं थे, ये 3 बड़े अच्छे विद्यार्थी थे, हम इडियट्स नहीं कह सकते हैं, और बड़े ही क्लोज, एक साथ बैठना, एक साथ रहना, बहुत दोस्ती। और 2 दोस्त का तो हो गया, सचिन का कल था 613 नंबर था, इनका 600, मंगेश का नहीं हो पाया, उनका 590 नंबर इस बार है।
तो वो अगले बार होंगे, लेकिन दोस्ती में थोड़ा सा वो इनको बड़ी तकलीफ है, लेकिन क्या कर सकते हैं। तो ये आपका रोशन का है कि तीन दोस्त थे, तीनों डॉक्टर बन गए, दो तो अपनी बार एडमिशन पा गए, एक और बन जाएंगे। अब बहुत ही अच्छे दोस्त, बहुत अच्छे दोस्त, साथ साथ रहना, साथ मैं तो हम तो कभी कभी कहते थे साथ तीनों साथ कहाँ जा रहे हो, कभी कभी हम टोक देते थे। कभी एक को वॉशरूम जाना था तो तीनों जाते थे, तीनों कहाँ जा रहे हो, हम तो आप तो जानते हैं हमारी आदत को, हम तो कहेंगे तीनों कहाँ जा रहे हो। इतनी दोस्ती थी, दो हो गए, अगला एक और है। तो बहुत सही, अब आज भी आए तो लीजिए, ये आपको रोशन ही बताएंगे कैसे सफलता मिली, कैसे क्या बोला। मेरा नाम रोशन पटेल है, मेरा नीट में स्कोर 625 है। जो सर बता रहे थे अभी कि जो ट्वेल्थ वाले हैं, इलेवेंथ और ट्वेल्थ यही दो मेन होते हैं। आवाज़ कम नहीं सर, आवाज़ तेज, थोड़ा एंजाइटी होती है। हाँ ठीक सर, इलेवेंथ और ट्वेल्थ यही दो मेन होते हैं, हम लोग भी थे इसी में, थोड़ा लापरवाही हो गई थी इसीलिए हम लोग ड्रॉपर बने। और जो आप लोग हैं, जो सर पढ़ाएं, जो भी पढ़ाएं उसे पढ़े, जो पढ़ाएं उसे ही रिवाइज करिए, पिछला रिवाइज करिए, इसके बाद जो टेस्ट हो उसको टेस्ट दीजिए, एनालाइज करिए, और जो भी हो गलतियां हो उसे मिस्टेक नोट्स बनाइए। आग लगाने वाली बात थी उसमें, जैसे आप लोग भी आग लगाते हैं, क्योंकि टेस्ट से ही जो टेस्ट होता, जो टेस्ट होता है उसी से हमारा सब कॉन्स्टेंसी भी बनती है, पेशेंस भी आता है, और क्या एंजाइटी भी होती है, क्योंकि मुझे भी एंजाइटी थी, मैं 2 साल फेल हुआ हूँ सिर्फ एंजाइटी की वजह से। क्योंकि टेस्ट से ही मेन बेस बनता है हमारा, और इलेवेंथ ट्वेल्थ ही सबसे बेस्ट है जो हमारा बेस बनाता है। और सर इलेवेंथ ट्वेल्थ तो सर आप दोनों सर अच्छे पढ़ाते ही हैं, और यही आप अगर यही बेस बना लिए तो श्योर है इलेवेंथ के ट्वेल्थ के बाद ही आपका सिलेक्शन हो सकता है, तुरंत हो जाएगा और समय भी नहीं लगेगा, ना तो आप ड्रॉपर बनेंगे हम लोग जैसे, हम लोग भी ड्रॉपर हैं, और ड्रॉपर होना कितना बुरा बात होता है आप लोग जानते ही सभी शिक्षा। लेकिन प्रवीण के चेहरे पर मुस्कुराहट कायम है। बच्चों क्लास 11th अभी मेरी क्लास है, और अभी शांत होके पहले समझा करो, सुना करो। आपके सीनियर खड़े हैं यहाँ पे, टीचर हैं, और एप्रिसिएशन सब ठीक है, ताली बजाना ठीक है, लेकिन एक मैनर्ड वे में, अनमैनर्ड होना नहीं, एक डिसिप्लिन होती है उसे मेंटेन करो। अब दूसरी बात यह है कि अभी देखिए आपके बीच में जो सिलेक्टेड स्टूडेंट हैं उन्होंने, सभी लोगों ने कुछ न कुछ बातें बताई। एक साल सीनियर बॉस होता है, दूसरा कोई नहीं कहता। जब तक आप जिंदा रहेंगे एक साल सीनियर तो बॉस ही कहते रहेंगे। अब आप आपके बारे आपको सभी लोगों ने कुछ न कुछ बताया है, और अभी जो इन्होंने जब बात कर रहे थे तो आप लोग गधों की तरह शोर कर रहे थे, उसे सुनना चाहिए था। इन्होंने ये कहा है कि सिलेक्शन का मेन कारण है 11th और 12th में अच्छे से पढ़ना। अगर जिसने 11th और 12th में अच्छे से पढ़ लिया तो वो 12th में ही सेलेक्ट होगा और वो ड्रॉपर नहीं बनेगा। इन्होंने कहा कि ड्रॉपर बनना बहुत ख़राब बात है, और ये मेरे अंदर इस बात का दर्द है कि हम ड्रॉपर बने, हम लेट जा रहे हैं। लाइफ तो बहुत ज़्यादा तो लाइफ तो नहीं बढ़ती, आप पहले डॉक्टर बन जाएं वो अच्छा है, या बाद में बहुत दिन बाद बने वो अच्छा है, तो पहले आप बन जाएं।
तो इन्होंने आपको एक बात बताया कि आप 11th में हैं, 12th में हैं, तो अच्छे से पढ़ेंगे तो आपका सिलेक्शन 12th में ही होगा, आप ड्रापर नहीं बनेंगे। ड्रापर बनना ख़राब बात है, अच्छी बात नहीं है। और इन्होंने ये भी बोला कि मेरा एक साल सिलेक्शन नहीं हुआ, दो साल, दूसरे साल जब सिलेक्शन हुआ तो मेरे को ये फील हुआ कि हम अगर अच्छे से प्रिपेयर किए होते 11th में तो आज मैं एक साल पहले मेडिकल कॉलेज में होता और एक साल मेरा आज MBBS पूरा हो गया होता। तो बच्चों यही आपको वो उस समय बता रहे थे। और वही है ना कि जब कुछ अच्छा होना होता है तो मन वहाँ पे लगता है। और दूसरी बात तो मैं नहीं बोलूँगा, तो आप लोग समझदार हैं, समझ रहे होंगे मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। इसलिए आप शांत होके अपने अपने टारगेट पे लग जाओ। आप साइंस के स्टूडेंट हो, नाटक वाले स्टूडेंट नहीं हो, गाने बजाने वाले नहीं हो, साइंस लिया है। साइंस वो साइंटिस्ट वाली क्वालिटी होनी चाहिए, गंभीरता होनी चाहिए, धैर्य होना चाहिए, आगे बढ़ना है, लक्ष्य आपने कुछ डिसाइड किया होगा, तभी IIT और नीट की कोचिंग में एडमिशन लिया है। तो वो ऐसे कैसे मिल पाएगा? आप लगिए, आगे बढ़ने के लिए लगिए और एकदम शांति से सुना करिए, समझा करिए। तो बच्चों अभी आप छोटे बच्चे हो और कल को अगर आपने अच्छा नहीं किया तो कभी आप भी यही बोलोगे कि मैं भी चाहता था कि 12th में हो जाऊं, लेकिन मैं तो कई साल का ड्रापर हो गया क्योंकि मेरे अंदर डिसिप्लिन नहीं थी, मेरे अंदर टैलेंट नहीं आ पाया। क्यों नहीं आ पाया? जब टीचर पढ़ाते थे तो मन में बातें नहीं आती। मन में बातें क्यों नहीं आती? क्योंकि कोई टारगेट ही नहीं सेट था। और टारगेट सेट होते होते जीवन बीत गया, फिर क्या पाया? बहुत सारी दुनिया में पॉपुलेशन है, इतने 135 करोड़ पब्लिक के बीच में बहुत सारे लोग आते हैं और चले जाते हैं, कीड़े मकोड़े जैसे आते चले जाते, कोई जान भी नहीं पाता। अरे ऐसा बनो कि सारे लोग जान जाएं। तो बच्चों हर लोगों का एक टारगेट होना चाहिए। आप यहाँ पे हैं, बाकी शहर की पब्लिक यहाँ पे नहीं है, आप बाकी लोगों से डिफरेंट हैं। आपके सपने बड़े हैं क्योंकि आप कुछ बनना चाहते हैं, बाकी ने सपने को सोचा ही नहीं, देखा ही नहीं, और वो केवल कहानी बनते बनते उनकी कहानी ख़त्म हो जाती है। वो केवल भीड़ के हिस्सा है, भीड़ में बढ़े जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं कुछ नहीं पता है। बच्चों मेहनत करो और ये अपने सीनियर से ये सब चीज़ों को सीखो कि सिलेक्शन इज नॉट वेरी डिफ़िकल्ट। इन्होंने बोला है कि सिलेक्शन बहुत आसान है अगर आप 11th और 12th को सही से पढ़ लें, तो 12th में ही सिलेक्शन होगा, इस बात की पूरी गारंटी है। इन्होंने ये कहा है और इन्होंने ये कहा कि बच्चे 12th में सेलेक्ट क्यों नहीं होते, क्योंकि वो 11th में नॉन सिंसियर होते हैं। उनको समझ नहीं आता कि उनका जीवन क्यों हुआ, वो करना क्या चाहते, वो समझ ही नहीं पाते। एक साल तो ऐसे बिता दिए और जब 12th में आते थोड़ा समझ में आता है, तो 11th में कुछ पढ़े नहीं होते तो ओवरलोड हो गए कि अब 11th का पढ़े कि 12th का पढ़े, अब दोनों के लेके डूब गए। इसलिए सबसे पहली बात क्या है कि क्लास 11th के फर्स्ट क्लास से ही एकदम से इंटेंसिव पढ़ाई शुरू कर दीजिए कि हम आगे रहेंगे, हम आगे रहेंगे। तो बच्चों ऐसा करेंगे, हमारे क्लास में 11th 12th के दोनों बैच इस समय हैं यहाँ पे। और बच्चों आपसे इसलिए कह रहा हूँ कि उम्मीद इस कोचिंग का एक्चुअल में जिसे बोलते हैं ना शरीर का हर्ट, वो कोचिंग के आप हर्ट हो। अगर आपने कुछ गड़बड़ी कर दिया तो ईंट पत्थर से कुछ नहीं होगा, ये कोचिंग बंद हो जाएगी। कोचिंग को चलाना है, कोचिंग को आगे बढ़ाना है, अपने टीचर को पहचान दिलानी है, अपने शहर को पहचान दिलानी है, तो बच्चों कैसे मिलेगा? वो सिर्फ और सिर्फ आपसे मिलेगा और आपको करना ही पड़ेगा। बच्चों करना ही पड़ेगा, 100% रिजल्ट लाना ही पड़ेगा। और मेरा एक जो मैं आप लोगों से अक्सर शेयर करता हूँ कि मैं जब पढ़ाना शुरू किया था मैंने तब से सोचा था कि हमारे कोचिंग क्लास ऐसी क्लास हो जिसमें 100% रिजल्ट हमेशा हो। और कोई भी इंसान जब उस कोचिंग का नाम ले तो लोग बोले करे उस कोचिंग में अगर एडमिशन ले लिए ना तो पक्का समझ लो कि वो IIT में हो जाएगा, उसमें एडमिशन ले लिए ना तो 100% वो मेडिकल कॉलेज में चला जाएगा। बच्चों ये पहचान दिलाना है और इसके लिए कोचिंग चल रही है। और ये पहचान कैसे मिलेगा? जब आप चाहोगे तब मिलेगा। तो आपको ये काम करना है कि आपका बैच 100% सेलेक्ट हो जाए। और बच्चों इतना बड़ा जुलूस निकले शहर में,
आप लोग जब चलो तो लोग सोचें कि हमें भी, काश मैं भी ऐसा हुआ होता, काश मैं भी ऐसा हो जाऊं, आने वाली जनरेशन भी इसी तरह की हो जाए। बच्चों ऐसे अपने काम को करके आगे बढ़ो, ऐसे चिन्ह बना लो, ऐसा एक तरीका बना लो, एक कल्चर बना लो कि आपका जीवन ही एक नया अध्याय और नए युग का शुरुआत हो जाए। ऐसा करेंगे कैसे? केवल हार्डवर्क है। हार्डवर्क का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है, कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है बच्चों। कंटिन्यूस एफर्ट बहुत ज़रूरी है। और जो ट्वेल्थ के लोग हैं उनके पास टाइम कम है, और बच्चों रिवीजन पे बहुत ज़्यादा फोकस करें, बार बार रिवीजन करें, जहाँ पे कमियाँ हैं उसको नोट करें, शॉर्ट नोट्स बनाएं, उसको बार बार पढ़ें, बार बार पढ़ के अपना ठीक करें। और टेस्ट छूटना नहीं चाहिए किसी का। और टेस्ट को जो सर ने बोला है बहुत अच्छी बात बोला कि उसको उत्सव मनाओ, और जिस दिन टेस्ट देने आओ खुश हो के आओ कि आज मैं टेस्ट देकर देखूँगा कि आज मेरी क्या स्थिति है। और आनेस्ट बनो, एकदम आनेस्ट। नहीं आता तो बताओ नहीं आता, उसको सीखना है, उसको हवा में लेके नहीं चलना है, क्योंकि रिजल्ट देना है, रिजल्ट आना है और लोग जानेंगे। और बोर्ड पे भी फोकस करना है, क्योंकि जो नंबर एक बार मिलेगा पूरे जीवन भर वही नंबर रहेगा, फिर वो नंबर आपका बदल नहीं सकता। आपके परसेंट कम हो जाएंगे, किसी के सामने आप अपने परसेंट को नहीं बोल पाओगे, जीवन भर छिपे रहोगे और अपना मेहनत नहीं की इसलिए लोगों के नज़रों में नज़र नहीं मिला पाओगे। इसलिए बच्चों मेहनत करो, पढ़ो और आगे बढ़ो। और इन लोगों ने बहुत अच्छा किया, आपका जो प्रीवियस आपका ये जो बैच है सीनियर बैच नीट में रिजल्ट बहुत अच्छे आए, सबसे हाईएस्ट नंबर मोती सिंह 687। इसके बाद कंटिन्यूस बच्चों ने नंबर ले आया, हमें बहुत खुशी है, लेकिन मन में अभी भी बहुत सारी चीज़ें कमी है। और वो कमी मैं आप लोगों से इसलिए कह रहा हूँ कि अब नज़रें आप ही के ऊपर टिकी हैं कि वो कमी पूरा करिए। हमें भी लगे कि मैंने भी अच्छे बच्चों को पढ़ाया है, मुझे भी लगे कि मेरे भी जीवन का कोई मतलब निकल के आया है, मुझे भी ऐसा ना लगे कि मेरा जीवन भी व्यर्थ हो गया क्या। और मेरे जीवन का अच्छा होना केवल हमारे स्टूडेंट के कर्मों पे डिपेंड करेगा बच्चों, वो आप ही हो। अब वो कमी यही है, कमी बच्चों यही है। मैं ये सुनना चाहता हूँ, मैं जानना, मैं कहना, मतलब कहलवाना चाहता हूँ कि लोग कहें कि यहाँ के बच्चे बहुत अच्छे हैं, बड़ा अच्छा संस्कार है, बड़े डिसिप्लिन में रहते हैं और केवल पढ़ते हैं, पढ़ने के सिवा कोई काम नहीं। और बच्चों ऐसी पढ़ाई पढ़ो, ऐसे मेहनत करो कि लोग बहुत दिनों तक आपके बारे में सोचें और याद करें। और बच्चों आपसे उम्मीद यही है, आपके तरफ मैं कंटिन्यूस यही सोचता रहता हूँ फाउंडेशन बैच को लेकर कि यही लोग हैं जो 700 के पार करेंगे। और बच्चों 700 के पार लाना है, उसके पहले के नंबर आ गए। अब आप 687 लाओगे मेरे को शायद खुशी नहीं होगी, पर खुशी तो होती ही है, बच्चा कुछ भी करे लेकिन वो प्राउड फील होना चाहिए मेरे को कि हाँ ये मेरे जीवन में एक और अच्छा स्टूडेंट आके जुड़ा और मेरे जीवन को धन्य बनाया। तो बच्चों उस मेरे लाइफ के लिए, कोचिंग के लिए, शहर के लिए मैं आप लोगों से ये बोलूँगा कि लग जाओ और जिद्दी बन जाओ और जिद ले लो और ठान लो कि मैं ऑल इंडिया रैंक 1 लाके रहूँगा और 720 में 720 लाना है। तो बच्चों इन्हीं सब बातों के साथ अब ये आज का बात यहाँ पे रुकेगी और आपका अगला क्लास है वो स्टार्ट होगा। तो देखिए सुमन सर कुछ बताएंगे, सुन लीजिए। बच्चों पांडे सर ने जो बताया सारी चीज़ों को अक्षर से पाली आप पालन करिए उसका। तीन बच्चे आज आए थे, इन्होंने बताया, कितनी अच्छी बातें बताई कि अभी भी जो बच्चे ट्वेल्थ में वो सीरियस नहीं हैं, ट्वेल्थ के बच्चे वो भी डॉक्टर बन सकते हैं, थोड़ा सा सिंसियरिटी दिखाएं तो बन सकते हैं। 150 से 641 नंबर आ सकता है तो आप डॉक्टर बन सकते हैं। थैंक यू बच्चों, थैंक यू।
रखूँ मैं।